हाल के दिनों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मूल्यों में काफी कटौती की गई है, जिसका खामियाजा डीलर्स को उठाना पड़ रहा है। आज प्रदेश के सभी जिला से आए पेट्रोलियम डीलर्स ने डाक बंगला चौराहे के पास जयप्रकाश भवन के पांचवें तल्ले पर स्थित इंडियन ऑयल कंपनी के MD सह स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर के समक्ष धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपा। पिछले 6 महीने से एक्साइज ड्यूटी में कमी करने से डीलर्स को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज के प्रदर्शन धरना के संबंध में BPDA के प्रेसिडेंट इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि अगर तेल कंपनियों ने डीलर्स की परेशानी का समय पर निराकरण नहीं किया तो 31 मई को प्रोडक्ट का उठाव नहीं किया जाएगा, फिर नो परचेज नो सेल का भी आह्वान किया जाएगा। सिंह ने बताया कि 2017 से डीलर्स मार्जिन में वृद्धि नहीं की गई है, डेली प्राइस मैकेनिज्म से भी डीलर को घाटा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी में कमी से डीलर्स के क्रियाशील पूंजी पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। बंद करो, डीलर का शोषण बंद करो, हमारी पूंजी वापस करो, हमारी पूंजी वापस करो, हमारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वार कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वार कंपनी होश में आओ, होश में आओ। दो तीन इशू पे बात किए हैं अभी इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर भी हैं और वो तीनों तेल कंपनियों के प्रधान हैं और इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट हेड भी हैं। तो हम लोगों ने उनसे पहला मुद्दा जो चर्चा किया है कि 5 सालों से हम लोगों के डीलर कमीशन का रिविज़न नहीं हुआ है, जबकि नियमतः हर 6 महीना पर रिविज़न होना ज़रूरी है। और 2017 के जुलाई के बाद से ये 2022 चल रहा है, रिवीजन नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ी है और इसके चलते डीलर नेटवर्क को बड़ी परेशानी है। दूसरा मुद्दा जो हम लोग बात किए कि अभी दिवाली के समय में 4 नवंबर को और अभी 22 मई को जो एक बड़ा एक्साइज रिडक्शन हुआ है, वो रिडक्शन के हम विरोध में नहीं हैं, वो रिडक्शन आम लोगों के फेवर की बात है, हमारे फेवर की भी बात है, लेकिन वो रिडक्शन को में हमें अपने तेल कंपनियों से प्राइस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था। मैंने हमारा कैपिटल उसमें इरोजन हुआ है, उससे हमारी पूंजी ख़त्म हुई है, उससे हमारी परेशानी बढ़ी है, वो होना चाहिए था। लेकिन जैसे डेली प्राइसिंग होता है, आप लोग कभी मीडिया वाले कवर भी करते होइएगा कि डेली पेट्रोल पंपों पे 10 20 25 50 पैसे दाम बढ़ता है और घटता है, ये भी उसी तरह से होना चाहिए था। और वो जो डेली प्राइस मैकेनिज्म है, ये सरकार, तेल कंपनी और डीलर फेडरेशन के सहमति से बनी थी और 16 जून 2017 से लागू है। तो वो जब एक मैकेनिज्म लागू है, उसके बाद रैंडमली एट ए टाइम इतना बर्डन हमारे ऊपर देने की क्या आवश्यकता थी? इससे तो हमारा फाइनेंस ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपके सारे बातों को अपने प्रधान कार्यालय पहुँचाएंगे, जो वहाँ से रिप्लाई मिलेगा वो आप लोगों को हम सूचित करेंगे। 31 मई को अभी चूंकि हम लोग ये प्रोसेस में हैं, आज रिप्रेजेंटेशन देने से हमारा विरोध ख़त्म नहीं हुआ, ये विरोध का पहला कदम है, स्टेप है, जिसमें हम लोगों ने इनको लिखित विरोध पत्र दिया है। और 31 मई को हम लोग पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में नहीं, हम लोग बिहार में जो काम कर रहे हैं वो पूरे ऑल इंडिया के बिहाफ में कर रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया में तेल की खरीद नहीं की जाएगी, परचेज जीरो करेंगे। और उसके बाद हम लोग मंत्रालय में जा कर के और इन सारे डेवलपमेंट को बताएंगे और वहाँ से भी अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो हम न खरीद करेंगे न बिक्री करेंगे, नो परचेज नो सेल। उसका बिहार पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन।